आपके लोगों को मेरा सत श्री अकाल, सबको मेरा नमस्कार। आज चुनाव का आखिरी दिन है और ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। 70 साल से इन सारी पार्टियों ने, इन सारे नेताओं ने मिलके पंजाब को लूटा है, पंजाब के पे कर्जा चढ़ा दिया, पंजाब को घाटे में डाल दिया, पंजाब की रेता चोरी कर ली, पंजाब में नशा कर दिया, पंजाब के बच्चों को बेरोजगार कर दिया। कहते 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब पे। सवाल उठता है, ये 3 लाख करोड़ गया कहाँ? इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाए। ये 3 लाख करोड़ रुपये गया कहाँ? ये इन लोगों के स्विस बैंकों में गया। इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बना ली इन सारे नेताओं ने, और जनता जो है वो भुखमरी के कगार पे है। इसे बदलने का टाइम आ गया और इस बार ऊपर वाले की कृपा से, वाहेगुरु जी की कृपा से, एक अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी, नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। इससे डर के ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, और ये सारे आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। बिकॉज ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से जीते, ये नहीं चाहते कि भगवंत मान किसी भी तरह से सीएम बने। ये भगवंत मान ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है, ये भगवंत मान को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं। ये सारे मिलके पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे एक ही किस्म की भाषा बोलते हैं, केवल हमें गालियां दे रहे हैं ये सारे मिलके, केवल मेरे को, भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं हमें। और ऐसे लगता है जैसे सारे रात को बैठ के बातचीत करते हैं आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस से या कॉन कॉल से, और अगले दिन सारी पार्टियां, सारे नेता एक ही भाषा में हमको गालियां देते हैं, एक ही जैसी भाषा बोलते हैं। तो हमारा कसूर क्या है ये सारे के? ऐसा आप देखेंगे, सुखबीर बादल चन्नी जी के खिलाफ नहीं बोलता, चन्नी जी सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी वाले बाकियों के खिलाफ नहीं, ये सारे केवल और केवल हमें गालियां दे रहे हैं सारे मिलके एक ही भाषा में। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या कर दिया? हम यही तो कह रहे हैं ना कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, यहाँ पे एक मौका दो, हम पंजाब के भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में मौका दो, हम यहाँ भी अस्पताल अच्छे बनाएंगे, सबको फ्री इलाज देंगे, फ्री दवाई देंगे, फ्री टेस्ट करेंगे, फ्री ऑपरेशन करेंगे सबका, मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक बनाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, यहाँ एक मौका दो, यहाँ भी पावर कट बंद कर देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ भी लोगों की बिजली फ्री करेंगे। जैसे दिल्ली, हम यहाँ पे बच्चों को रोजगार देंगे, दिल्ली में 10 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया, यहाँ पे नशा खत्म करेंगे, नशा बंद करेंगे, ईमानदार सरकार लेके आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जैसे दिल्ली में किया। यही तो कह रहे हैं हम लोग। ये लोग नहीं चाहते कि पंजाब में ये सब हो। पूरा का पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, मेरे, भगवंत मान के और आम आदमी पार्टी के। तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे नहीं हो सकते? इस बार साढ़े तीन करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाओ, और इस बार इस पूरे सिस्टम को हराना है, इन पूरी सारी पार्टियों को, ये पूरा जो सिस्टम है, अकाली दल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस बार अपने को हराना है। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, इस बार पंजाब के लिए वोट डालो, सारे इकट्ठे हो जाओ, 3 करोड़ पंजाबी मिलके इस बार ईमानदार सिस्टम लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी लेके आएंगे, और भगवंत मान को सीएम बनाना है। मैं मीडिया के साथियों को खास तौर से बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मशक्कत करके और बड़ी मेहनत से इस पूरे चुनाव के दौरान, मैं देखता था जब हम रोड शो में जाते थे कैसे जीपों पे लटके रहते थे सारे पत्रकार, और कैसे अपन बड़ी कठिन परिस्थितियों में आप सब लोगों ने बहुत अच्छा, निष्पक्ष तौर पे आपने पूरा चुनाव प्रचार को कवर किया है सभी पार्टियों का। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो सर, प्रधानमंत्री और उसके अलावा राहुल गांधी जो हैं, उनके बयान सामने आए, यहाँ पर हमला बोल रहे हैं, एक खास बयान को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? ये जैसा मैंने कहा कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं,
ये मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के दो टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करेंगे और उनसे उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है, ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के दो टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनकी, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी पिछले 10 साल में? 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर, अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की, अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग, मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन नहीं, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे एक दिन, ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे एक दिन, ऐसा भी आएगा। और ये इतना बड़ा आतंकवादी ये पकड़ा कैसे गया? पिछले 10 साल में, 7 साल में जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइयो और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो इसने जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दिया इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी दो पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है? मैं सर, समझता हूं कि आतंकवादी दो किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये मिलके, इनको इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ, जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूँ मैं। सर ये 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे, भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूँ, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूँ,
देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मुझे पता चला है कि कल शाम को केंद्र सरकार ने चन्नी साहब को फ़ोन करके एक चिट्ठी लिखवाई है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो अगले एक दो दिन में मुझे खबर मिली है, एक ऑफिसर का फ़ोन आया था कि अगले एक दो दिन में एक NIA में एक FIR दर्ज की जाएगी मेरे खिलाफ़। सबका उन सारी FIR का स्वागत है, लेकिन ऐसे इस तरह से अगर देश की सुरक्षा को केंद्र सरकार डील करेगी तो देश की सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंता होती है। सर, जिस तरह के आरोप इस बार लग रहे हैं वैसे ही पिछली बार भी लगे थे, और एंटी पंजाबी तक आपको बोल देते हैं। चन्नी साहब बार बार कह रहे हैं कि भैये क्या कर लेंगे, यहाँ कैसे चला लेंगे सरकार, इस तरह के बयान आते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में, तो अब केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति, केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हम अपने काम गिना रहे हैं, हम पंजाब का विजन बता रहे हैं, और ये लोग केवल आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं। सर, जैसे आतंकवादी बताया जा रहा है, ठीक, इस तरह से ये बताया था कि आप RSS के एजेंट भी हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ अगर ये हो सकते हैं आप, तो फिर वो कैसे हो सकते हैं, इसे कैसे देखते हैं? ये भी कांग्रेस का एजेंट भी आपको कहा जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, तो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूँ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि RSS का एजेंट हो, तो फिर तो सारी RSS भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी कांग्रेस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं BJP का एजेंट हूँ, तो कह रहे फिर तो सारी BJP भी आतंकवादी है। मतलब मेरे को, लेकिन इस बात की, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, मेरे को चिंता इस बात की है कि इन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना के रख दिया है। 7 साल से 10 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आतंकवादी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री देश के टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहा था, और किसी एजेंसी को पता नहीं चला। उन्होंने, सारी एजेंसीज ने मेरे घर पे रेड मार ली, मेरे दफ्तर पे रेड मार ली, उनको कुछ नहीं पता चला। एक दिन एक कवि ने उठ के एक कविता सुनाई, और तब देश के प्रधानमंत्री को अचानक समझ में आया, अरे बाप रे, इतना बड़ा आतंकवादी देश के मेरे शहर में रह रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला। जो भला उस कवि का जो उसने कविता लिख दी, वो कविता नहीं लिखता तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चलता इस देश में। थैंक यू।